गुड इवनिंग वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस विद अनदर न्यूज़पेपर पेपर इंडियन एक्सप्रेस के साथ हैं हम लोग और एज uh, यूज़ुअल अखबार के बारे में अखबार में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आ, क्या एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर होता है कवर टू कवर कभी नहीं पढ़ना होता है अगर आप कवर टू कवर पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा दिन लग जाएगा और उसमें से ज़्यादा आप फिल्टर आउट कर नहीं पाएंगे एग्जाम के लिए सो so, सेलेक्टिव और बिल्कुल प्रिसाइस चीज़ें पढ़नी चाहिए उतनी ही पढ़ेंगे और कौन कौन के कौन कौन से आर्टिकल्स या कौन कौन से पेजेस पे जाना चाहिए और उनमें से क्या किस चीज़ पे नज़र रखनी

एज यू नो कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो यहाँ पे हाईलाइट देख रहे हैं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शाहबाज शरीफ सोन इन एज पाक पी फॉर सेकेंड टर्म तो शहबाज शरी शरीफ जो है वो पाकिस्तान के पीएम एम बन गए हमें शायद पहले भी इसके बारे में बात की हुई है तो ये रेगुलर खबर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये एग्जाम में बहुत जरूरी आएगा आ, है एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो पीएम एम है पाकिस्तान की वो कौन है और वो शहबाज शरीफ है और वो कौन से टर्म के लिए सेकेंड टर्म के लिए आए तो ये दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है प्लस मैंने यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट की है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी तो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है वो कौन है वो है आरिफ अली तो ये दो जो इम्पोर्टेंट बंदे हैं लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से बाकी जो पूरी पूरी खबर है उसमें इतना ही कुछ हम कहते हैं मसाला नहीं है अपने एग्जाम के लिए ठीक है तो कहानी मोटी मोटी पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है उसके बाद हर दिन एक नई खबर आती है उसमें कुछ लोगों के या जगहों के नाम होते हैं वो जगहों या लोगों के नाम पकड़ते रहो इस पूरे के पूरे आर्टिकल में से शहबाज शरीफ वाले में से दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो पर्सन का नाम और कौन सा टर्म है वो वो सेकंड टर्म है और वहाँ क्या बने हैं वो पीएम बने तो तीसरी चीज ये हो गई और प्रेसिडेंट कौन है आरिफ अलवी तो इस पूरे में से चार चीजें निकाल ली हमने ठीक है ऐसे ही करेंगे हमें पीएचडी नहीं करनी होती डेली न्यूज एनालिसिस में हम पीएचडी नहीं करते कि हमें हमें कोई न्यूज एंकर नहीं बनना ठीक है या कोई कमेंटेटर नहीं बनना न्यूज कॉमेंटेटर नहीं बनना की ये हो रहा है हो रहा है बस मोटा मोटा पता होना चाहिए क्या हो रहा है कैसे हो रहा है और उसके अंदर जो खबरें हैं वो ज्यादा पता हो आर्टिकल जो उसके अंदर कुछ एक्टर्स है लोग हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उनके बारे में जाना जरूरी है ओके अब देखो दूसरा यहाँ पे जो है ये है इसराइल कंडक्ट्स बिगेस्ट रामल्ला रेड इन किल्स टीन इन रेफ्यूजी कैंप कुछ दिन पह, कुछ दिन पहले भी हमने बात की थी तो इसराइल के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अटैक किया था कुछ लोगों पे जो एड के लिए खड़े थे वहां पे ठीक है तो आज फिर एक खबर आई है यहाँ पे इसराइल ने फिर वहां पे कुछ अटैक किया है और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए पैलेस्टीन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रामल्ला तो यहाँ पे भी आप देखिए रामल्ला लिखा तो पैलेस्टीन का कैपिटल क्या है पैलेस्टीन का जो कैपिटल है वो है रामल्ला हम बहुत बात कर रहे हैं इसराइल की पैलेस्टीन की इसकी वेस्ट बैंक सब की बात करें लेकिन अगर आपसे पूछ लिया की पैलेस्टीन कैपिटल क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल किसे माना जाता है वो जगह है रामल्ला वो सिटी है रामल्ला ठीक है तो रामल्ला वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट हमारा यूपीएससी नहीं है कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं चाहिए होते प्रिसाइस पिन पॉइंट बातें चाहिए होती है तो कैपिटल केयर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का अपना पैलेस्टाइन के एरिया का तो रामल्ला ठीक है बाकी जो अनफॉर्चुनेट खबर है वहाँ जो लड़ाइयाँ हो रही हैं नो जान और माल की जो तो हानि हो रही है वो तो हो रही है पर उसमें से जो निकलना निकाल के हम लेंगे वो है रामल्ला जो है कैपिटल सिटी ऑफ आपका पैलेस्टाइन एरिया ठीक है तो यहाँ से ये इतना चीज़ें हमने पकड़ ली देखो हम बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ना होता है ठीक है हर चीज में घुसना नहीं हमको अगर हम घुस गए तो हम खो जाएंगे फिर ठीक है और राइट right, यहाँ पे खबर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अबॉर्शन नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन फ्रांस तीन चार दिन पहले हमने बात की थी डीएनए में कि एक बिल टेबल हुआ है फ्रांस में अगर वो ऐसा करते हैं तो पहला देश बन जाएंगे तो वहां पे जो फ्रांस है फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे अबॉर्शन हैज बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो संविधान में डाल दिया गया है ये बाकायदा तो अबॉर्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यून राइट right बन गया तो इसमें दो तीन चीजें पूछेंगे कौन सी कंट्री फ्रांस है क्या है अबॉर्शन ठीक है ये राइट और तीसरा है क्या है क्या बन गया है फंडामेंटल राइट right बन गया है लीगल राइट right बन गया है? Right है? तो right है. तो है इसमें तीन है. तो अबॉर्शन फ्रांस तो और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right. ये तीन चीजों पर पूरी की पूरी कहानी है ठीक है ओके तो आगे बढ़ते हैं ओके? तो यहाँ पे इतना चीजें बहुत है आपके एग्जाम प्रस्पेक्टिव से All right, नेक्स्ट पे आते हैं ये बहुत खबर बड़ी खबर है ये हमारा अभी फ्रंट पेज आ गया अखबार का ठीक है तो फ्रंट पेज जो होता है उसमें उस दिन की इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी न्यूज हो सकती है वो प्राइम होती है तो यह कौन सी प्राइम न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट है सेट फॉर एमपीज एंड एम एल एज हुई फॉर वोट स्पीच इन हाउस तो उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट निकाली है. Seven बेंच ने ये निकाला है इससे पहले एक फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक वर्डिक निकाला था उसको पलट दिया गया तो फाइव बेंच के जो जज ने निकाला था वर्डिक्ट उसको पलट के सेवन जज ने अपना नया निकाला है उन्होंने ये कहा है कि चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो चाहे आप एमपी हो चाहे एमएलए हो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी इस बात के लिए कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो आप अगर पैसे लेते हो ब्राइब लेते हो उस पर और अगर आप सदन में हाउस में कुछ भी उलझुल बात करते हो तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है ये नहीं है कि आप नेता हो या आप मेंबर हो तो आपको माफी है नहीं नहीं माफी नहीं है ब्राइबरी की कोई माफी नहीं है और सदन में खड़े होके हाउस में खड़े होके किसी कम्युनिटी किसी व्यक्ति किसी के लिए उल जुल बातें नहीं कर सकते आप ठीक है गलत बात एक मर्यादा रखनी है ठीक है तो ये इन्होंने बोला है और ये बहुत बढ़िया बात है ठीक है इससे एक डेकोरम बना रहेगा कंट्री में भी हमने पीछे भी कुछ खबरें सुनी थी विच जो नॉट इन गुड इन टेस्ट बट ठीक है स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ठीक है तो आगे हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये एक्चुअली में सीन ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाइनटीन की एक जजमेंट आई थी 1998, 1993 में में क्या हुआ था? 1993 में एक केस हुआ था था 93 एक केस पे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी तो वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पीवी पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के लिए आ गया था तो ऐसा कहते हैं कि झारखंड जो मुक्ति मोर्चा के लोग हैं उन्होंने ब्राइबरी ली थी पैसे लिए थे उसके अगेंस्ट वोट करने के लिए ठीक है तो उन्होंने पैसे पकड़े थे ब्राइबरी ली थी अगेंस्ट वोट करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट करने के लिए तो उस समय 1998 में यह बोला गया ये 1993 की खबर है थ्री की खबर है 1998 में ये बोला गया कि नहीं नहीं इनको ना एग्जेपन है ये मेंबर है पार्लियामेंट के तो इनको एग्जेपन है इन इनपे कोई कार्रवाई नहीं होगी लेकिन अभी 2024 में क्या बोला गया नहीं 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 ऐसा कोई एग्जेम्पन नहीं अगर ब्राइबरी ली है तो भैया फिर उस पर कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल बनती है ठीक है अब इसी खबर को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखो सेकंड पेज पे ना उसके बारे में और डिटेल में दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देखो 1993 जेएमएम लीडर शिबू सोरेन एंड इस पार्टीज एमपी तो उनके ऊपर ये खबर थी और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं नहीं पांच बेंच जज की बेंच ने बोला था कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन अब क्या बोला है कि नहीं नहीं बिल्कुल प्रॉब्लम है हंड्रेड प्रॉब्लम ठीक है थीके? और ये कौन से आर्टिकल है कौन से नहीं आगे हम बात करेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन पेज में दिया है तो वहां पर भी जाएंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे ठीक है चलो तो एक तो ये बात होगी इस पूरे के पूरे पेज में और दूसरा ये है कि हाँ आपको पता है कि एस को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के डिटेल्स है वो पता बताओ हमें और मार्च एट तक की डेट दी थी अब एस uh, बोल रहा है कि मार्च तो बहुत जल्दी हो जाएगा हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है और मैचिंग करनी है किसने कितना दिया है कौन है बंदा तो तीस जून का हमें टाइम दे दो तो ये उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट डाली है इसमें आपके एग्जाम के लिए कुछ नहीं है बस जस्ट एक खबर है

जबकि वो बेचारे इंडियंस जॉबलेस थे और इंडिया से यूक्रेन गए इंडिया से रशिया गए थे जॉब के लिए ठीक है तो यूट्यूब चैनल है एक जिसने बोला कि नहीं नहीं आ जाओ रशिया में आ जाओ बहुत सारे जॉब्स हैं और जॉब किस लिए रशिया में गवर्नमेंट ऑफिस में आपको हेल्पर का काम मिलेगा ये बोलकर भेजा गया था लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनको क्या बोला कि नहीं चलो अभी जंग के मैदान में जाओ तो ये खबर बाहर आई है जहां पे इंडियंस को यूज किया जा रहा है ठीक है तो ये एक खबर है अभी अभी और इस पे कुछ आगे बात बनेगी तो हम और डिटेल में जानेंगे पर फिलहाल न्यूज़ तो इतनी है ठीक है अब हाँ अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डेली अनाउंसस ₹1000 पर मंथ फॉर विमेन ओवर 18 ईयर मार्क्स ₹2000 करोड़ तो दिल्ली बजट आया है और दिल्ली बजट ने 2000 करोड़ रुपए अलग रख दिए किनके लिए ऑल वुमेन कौन कौन सी विमेन है अट्ठारह से ऊपर होनी चाहिए और अठारह साल से ऊपर होनी चाहिए और किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होनी चाहिए तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो आपको पेंशन नहीं मिलती है ठीक है आपको पेंशन मिलती है अगर आपको पेंशन मिल रही है और आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप अलाउड नहीं हो ठीक है आपको पेंशन मिल रही है आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप इनकम टैक्स दे रहे हो तो आप इसमें अलाउड नहीं हो बाकी जो बच गए बाकी जो भी वीमेन बच गए अठारह साल से ऊपर उनको पर मंथ थाउजेंड रुपीज दिया जाए ठीक है तो विमेन के लिए थाउजेंड रुपीज गवर्नमेंट दिल्ली में दे रही है लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाली लेडी हैं अगर आप पेंशन प्राप्त कर रही हैं या आप इनकम टैक्स दे रही हैं तो आप इससे बाहर है बाकी जो बच गया उन सबको दिया जाए तो जो आ, कभी कभी ऐसा कहते हैं जैसे मतलब स्कूल जाते हैं जो जो कॉलेज जाते हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं वगैरह वगैरह इतनी अच्छी इनकम नहीं है इनकम टैक्स में आप नहीं आ रहे ब्रैकेट में लेकिन जॉब कर रहे हो तो उनके लिए सहारा हो जाता है ठीक है तो गवर्नमेंट दे रही है आ, हजार रुपये वेमेन को ठीक है और कुछ आ, टाइम पहले अभी दिल्ली ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बस में फ्री ट्रैवल कर दिया था तो बहुत सारी फ्रीबीज आ रही हैं तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि आ, दो हजार करोड़ अल, अलग रखे गए हैं हजार रुपये पर मंथ कौन सा कौन सा सरकार दे रही है तो डेली गवर्नमेंट दे रही है हजार रुपये पर मंथ विमेन को ठीक है तो ये एक खबर है ओके तो इसमें से इस तरह से क्वेश्चन निकल सकता है ओके चलो अभी थोड़ा सा फटाफट एक्सप्लेन पेज देख लेते हैं बाकी ये देखो ये आ, डेली की न्यूज है थीके? तो सिटी है ठीक है तो सिटी है तो मतलब शहर की न्यूज़ है तो शहर की न्यूज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू किसी भी एग्जाम में तो यू कैन ईजिली स्किप अगेन ये सिटी वाला आ गया तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो ठीक है और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ये रेगुलर खबरें हैं इसमें कुछ खास नहीं है ठीक है तो आप जो फोकस करोगे वो मोस्टली फोकस करोगे आप जैसे एडिटोरियल पेज काफी लोग कहते हैं कि हम ये पढ़ते हैं पढ़ते हैं पर एडिटोरियल पेज में क्या होता है ना वो एक चीज जो है यहाँ पे है शादी नंबर वन शादी नंबर वन है जो अंबानी अनंत अंबानी की शादी का जो फेस्टिविटीज चल रही है उसके ऊपर किसी ने अपनी राय रखी है तो आपको राय नहीं जाननी है तो एडिटोरियल पेज पे इतना फोकस मत करो आप लोग आप मोस्टली फोकस करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे वो कौन सा वाला पेज है और वो है आपका एक्सप्लेन पेज ये पेज मुझे बहुत पसंद है क्यों क्योंकि इसमें चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं यानी कि कुछ भी जैसे अभी देखो यहाँ पे वो ब्राइव वाला है लॉ मेकर ब्राइव वाला जो हमने आगे किया था क्वेश्चन उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे है ना तो ये वाली जो चीज होती है ना इसमें ये आप ये मान के चलो एक्सप्लेन पेज खजाना है क्लैट के लिए क्योंकि हर एक सेक्शन किसी ना किसी खबर को डिटेल में घुसाता है तो जब डिटेल में बात करते हैं तो सारे के सारे वन मार्क वाले क्वेश्चन क्लैट में जीके वाले क्वेश्चन सब यहीं से निकल जाते हैं ठीक है तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है Uh, आप बोल रहे हो कि मुझे दिन में तीन चार घंटा नहीं लगाना मेरे पास आज पंद्रह मिनट है बीस मिनट है एक घंटा है उससे ऊपर नहीं है तो आप एक्सप्लेन पेज करो ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू डू ओनली वन पेज डू एक्सप्लेन पेज ठीक है एक्सप्लेन पेज करो या अखबार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सप्लेन पेज से स्टार्ट करो और अगर आप बिल्कुल पढ़ने की आदत नहीं अखबार पढ़ने की तो एक्सप्लेन पेज से स्टार्ट करो बट डोंट रीड द एंटायर पेज रीड वन आर्टिकल दो तीन दिन के बाद मेक इट टू आर्टिकल्स फिर उसके बाद हाफ अ पेज फिर कंप्लीट पेज ठीक है तो ऐसे ऐसे अपने आपको आदत लगाओ बट इफ यू वॉट ना स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर स्टार्ट पेज वन आर्टिकल डे अगर बिल्कुल पढ़ने की आदत नहीं है और जिनको पढ़ने की आदत नहीं है उनको मैं बता दूं क्लैट जो एग्जाम है बिना पढ़े नहीं होगा इट्स ए रीडिंग बेस्ड एग्जाम है आप कोई भी सेक्शन में घुस जाओ आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत लंबा लंबा पढ़ना पड़ेगा इसलिए आदत डालो अखबार पढ़ने से बहुत अच्छी आदत बन जाएगी आपकी ठीक है चलो तो उसी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे तो इस पूरे के पूरे कहानी में जो एग्जाम में आ सकती चीजें क्या आ सकती है कि ये केस कौन सा था ये नाइनटीन नाइन एट जे -म -म केस था ठीक है और दूसरा जो 1998 में क्या बोला था कि लॉ मेकर्स के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी वो कौन से आर्टिकल को देख के बोला था वो आर्टिकल 105 सेक्शन 2 और आर्टिकल 194 सेक्शन 2 इस इनके अंतर्गत बोला था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल क्या बोला है बोला नहीं नहीं भैया अगर आप गलत बात करते हो सदन में या आप कुछ पैसे पकड़ते हो पैसे लेते हो ब्राइबरी करते हो करप्शन करते हो तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है कोई अब माफी नहीं होगी आप ठीक है तो आ, ये दो मेजर चीजें हैं यहाँ पे ओके और अगर आपके पास एक्सप्लेन पेज अगर अखबार पढ़ रहे हो इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करो एंड टू एवरी वन वॉचिंग दिस मैं बोलूंगा आप एक बार ना ये डिटेल में पढ़ना इसको ठीक है लॉ मेकर्स टेक बाई ये एक्सप्लेन पेज को इस वाले आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना एंड कीप अ पेन विद यू और अ पेंसिल विद यू अंडरलाइन करते रहना एंड मेक नोट्स ठीक है एक्सप्लेन पेज के नोट्स बनाओ बस लाइफ सॉर्टेड है आपकी ठीक है बाकी दिस इज वन पार्ट ऑफ जीके आप यहाँ से करो थोड़ी जीके थोड़ी आप मॉक से करो क्लैक पॉसिबल के जो मॉक हम बना रहे हैं ठीक है उन से करो तो धीरे धीरे आपका जीके के लिए कोई एक सोर्स नहीं होता वे मल्टीपल सोर्सेज से हम जीके करनी पड़ती है लेकिन हाँ जीके वो uh, ऐसे सब्जेक्ट है विच रिक्वायर्स रिविजन बार बार आपको ठीक है जैसे मैथ्स वगैरह में आरसी में आप एक एक बार बात समझ में आ गई तो आ गई लेकिन यहाँ पे बार, बार 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 रिविजन रिविजन करना पड़ता है तो आप जितना रिविजन करेंगे उतना अच्छा होगा आपको ठीक है तो आईओअब आई होप ये क्लियर है बातें आपको ठीक है और यहाँ पे एंड करते हैं यहाँ पे रैपअप करते हैं एंड बने रहिए जुड़े रहिए क्लैट पॉसिबल के साथ आने वाले टाइम पे और डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे आर्टिकल्स के बारे में और जीके कैसे एनहैंस करनी है अच्छे करनी है क्योंकि जीके में नंबर अगर आपके अच्छे आने शुरू हो गए तो आपका क्लैट एनएलू टॉप एनएल कहीं नहीं गया तो उस पर बात करेंगे कैसे नंबर अच्छे लाने हैं ये एक रात में नहीं होता ठीक है रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे ठीक है धीरे धीरे बने बनाते हैं तो ओवर द प्रोसेस ऑफ मेनी मंथ्स का प्रोसेस है साथ में जुड़े रहिए लगे रहिए कर देंगे ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार क्लैट पॉसिबल को आप सब्सक्राइब uh, करें ठीक है चलो बाय एंड टेक केयर